हम पे टोटल जो लोगों ने अप्लाई किया पूरा पैसा भर दिया वो 9039 है, जिन्होंने मोटर के भी, जिन्होंने लाइन के पैसे भी, खंबे के भी, सारे जो भरे हुए थे वो, और सिक्योरिटी भी, वो टोटल ऑन रिकॉर्ड 9039 आदमी है। उसमें हमने एक थोड़ा सर्वे करवाया लोगों से कि भी मोनोब्लॉक कौन चाह रहे हैं और फाइव स्टार कौन चाह रहे हैं, तो ये कोई 7421 लोगों का हमने टिल डेट कर लिया। तो 7481 में आप ये समझिए कि तो 6194 आए जो कह रहे हैं कि जी हमें फाइव स्टार दो, समरसिबल दो, फाइव स्टार कह दो, समरसिबल कह दो, तो एक ब्रांड का नाम है और जो सबसे बड़ा पानी को तेज़ी से निकालता है उसके लिए जो प्रेफर करा वो 6194 लोगों ने करा 7421 में से। 1227 लोग हैं जिन्होंने ये कहा जी हमें मोनोब्लॉक चाहिए, जहाँ पानी 25 फुट 30 फुट 40 फुट पे है तो वहाँ एक छोटी मोटर से 5 हॉर्स पावर 10 हॉर्स पावर से डिपेंड करता है कि वेरिएशन कितनी है पानी के नीचे, तो उस पर लोगों ने मांगा तो वो हमारे पास 1721 थे। इसके बाद जो 2000 के करीब रह गए उनका अभी 2000 से कम है ना, 2000 कुछ रह गया, 2800 उनका भी सर्वे हो जाएगा जो हमें हफ्ते 10 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। आज के दिन हम पे अवेलेबल जो है फाइव स्टार वो 4868 है, तो 4868 तो हम बिफोर 15 जून इसको लगा लेंगे, दो चार दिन आगे पीछे हो सकता है, देखिए एग्जैक्ट टाइम तो नहीं कहा जा सकता, ये 15 जून तक हम लगा देंगे। और 1227 जो अब तक लोगों का मोनोब्लॉक का है, जैसे सिरसा में नातूश्री चौक का है, कुछ जींद का इलाका है, कुछ हिसार का इलाका है, कुछ कुरुक्षेत्र में भी है जिसे हम UHVP कहे, उस एरिया में लोगों का कुछ मोनोब्लॉक के लिए रुझान है, उनकी प्रेफरेंस वो है, वो थोड़ा सस्ता भी पड़ता है, पानी नज़दीक है, ज़्यादा नीचे। अब अगर महेंद्रगढ़ भिवानी में चले जाएँ तो पानी कई जगह 1400 फुट 1200 फुट नीचे गए, तो वहाँ लोगों को समर्सिबल चाहिए। बाकी जो है वो अभी हम सर्वे करेंगे, ऑलरेडी जो हमने इंस्टॉल कर दिए फाइव स्टार मोटर्स वो कल तक 1728 कर दिए, 1728 कनेक्शन हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिए। अब जो 2000 कनेक्शन हमारे रहने हैं जिनका सर्वे होना है कि फाइव स्टार लेंगे या वो लेंगे, वो अगले 10-5 दिन में हम पे रिपोर्ट आ जाएगी, आने के बाद फिर हम उन्हें दे देंगे। मेरा ये अंदाजा है कि ये 9000 कनेक्शन हम जल्दी डिस्पोज ऑफ कर देंगे, जिसको वो चाहिएगा वो दे देंगे। इसके बाद क्योंकि फाइव स्टार जो जिस मोनोब्लॉक से जो बनती थी वो अभी बंद होगी मैन्युफैक्चर, अब वो और में थ्री स्टार में बन के आने लगी, मशीनरी वही है, पर हमने ये जानबूझ के नहीं करा कि कल को लोग कहें जी हमसे फाइव स्टार कहा था थ्री स्टार दे रहे, हमने ये ऑप्शन उनपे कि जिन्हें मोनोब्लॉक लेना है वो ले लें, जिन्हें फाइव स्टार लेनी है हम पे अवेलेबल है ये ले लें, और इसके बाद जो दूसरा का ऑप्शन है वो लेना चाहे उनको हम ये दे देंगे, ये नहीं लेना चाहे तो अपना पैसा ब्याज समेत वापस ले लें। मोदी साहब के बढ़ने से बात कई बार, अब जिसने क्रिटिसाइज करना वो अलग है, पर मैं तो एज प्राइम मिनिस्टर जो उनकी परफॉर्मेंस रही है उस पर कमेंट करता हूँ। देखिए आप और हम सारे इस बात को देख रहे हैं कि कभी भी किसी आदमी की, इवन मीडिया और हमारे किसी पार्लियामेंट में जो होके आ गए, जो गए हैं पीछे आके चले गए, किसी के दिमाग में ये नहीं था कि कश्मीर में कभी दो झंडे दो संविधान खत्म हो जाएगा। बहुत बड़ा हिंदुस्तान के मार्ग में जो इंटरनेशनली मुद्दा बनाने की पाकिस्तान बात कर रहा था वो काम करा। दूसरा मैं जो आपसे कह रहा हूँ कि इंडिया का एक बार दबदबा बना, आप कहें भी, मैं भी उसके बाद 5-4 कंट्री में हो आया, हर जगह जाने के बाद अब इंडिया की एक रिस्पेक्ट तो बनी है कि इंडिया कोई कंट्री एग्जिस्ट कर रहा है, ये मोदी साहब के आने के बाद हुआ है। नंबर 3, मैंने तो नहीं दिया, लोगों ने, देखिए अफ्रीकन कंट्रीज है जहाँ कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट है ही नहीं पर प्रशासन तो वहाँ भी चल रहा है, जहाँ कहीं किंग है कहीं शेख है, जो एक सिविलाइज सोसाइटी है उसमें लोग वोट दे के अपनी एक व्यवस्था को कायम करते हैं, जो रूल लॉ को मेंटेन करे, इससे अवॉइड बाई हो, कॉन्स्टिट्यूशन उनकी उनकी रिस्पेक्ट करे, उन्हें बचाए। तो मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा मैंडेट कभी किसी को मिला नहीं जो मोदी साहब को मिला है। हालात कोरोना के, क्या अर्थव्यवस्था हमारी बढ़ रही थी, बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, कभी भी इसमें कोई शंका नहीं थी, हम पहले टॉप 7 में भी आ गए थे। अब ये तो पूरा वर्ल्ड वाइड सभी को हुआ है, अमेरिका में भी हो गया, दूसरे कंट्रीज में, मैं चाइना रशिया में, चाइना को थोड़ा सा एक्सेप्शन में निकाल दो, बाकी सभी कंट्रीज में ये हालत हुई है, तो इसका रिसेशन का तो हमारे भी असर आया है। देखिए इसका
होटल इंडस्ट्री पे आया है, टूरिज्म पे आया है, इसका मॉल्स पे आया है, आपका सिनेमा हॉल्स पे आया है, इसका जो रेडी मजदूर वाले जो बेचारे किराए पे लेके ऑटो चलाता था उसका आया है, जिस दुकानदार ने अपनी दुकान किराए पे ले रखी थी उसे 5,000 रुपया वो देना पड़ता था, 2,000 बिजली का बिल का गया, अगर एक नौकर रखा तो 5,000 रुपया 10,000 रुपया उसको देता था, अब उस आदमी को 20,000 रुपया देते हैं जिसके पास था ही इतनी पूंजी, जो थ्री व्हीलर वाला पैसा दे के शाम को मजदूरी दे के अपने पैसे लेता था वो कहाँ जाए। तो लोगों को इस बात का ये नहीं कह सकते, असर तो बहुत गया है, पर मेरा ये मानना है कि जो इन्फॉर्मेशन है कि लोग जो मैं मैगजीन में अखबारों में टीवी में जो देख रहे हैं कि चाइना से कुछ अमेरिकन्स और इन्होंने इटालियन और आपके जर्मन के लोगों ने तो वहाँ अपना बिजनेस समेटना शुरू कर दिया, जो मल्टीनेशनल कंपनी है, मैं समझता हूँ सस्ती लेबर और ये करके हमारा जिस तरीके से एक सेटअप है, प्राइम मिनिस्टर की इमेज है, इसमें अभी एक अगला क्वेश्चन है जिसका अभी पुख्ता नहीं कह सकते, मैं समझता हूँ बहुत भारी इन्वेस्टमेंट जब कोरोना से निकल गए तो हमारी इकोनॉमी इतनी तेज़ी से फिर बढ़ के वापस। बिजली के मामले में हमने ये करा था कि भी सरकार जो है जो डोमेस्टिक कनेक्शन है उसमें अगले 2 महीने तक हम उसका कोई भी 2 महीने 20-30 दिन जब तक कोरोना का बनता है एग्जैक्ट वो बनता है उसके लिए कोई सरचार्ज नहीं लगेगा, बेसिक अमाउंट है वो ही लेंगे। उसके लिए ये कहा कि जितना लोग उस पर ऑनलाइन बिल पे कर रहे हैं वो कर दें, जो लोग को चेक से करना चाहें तो कर दें, जो लोग कैश काउंटर है वो हमने बंद कर दिए थे इस करके कि बिल जो है वो इसके बाद भरेंगे, वो अभी हमने 4 दिन पहले काउंटर खोले हैं, अब उस पर बिल भरना उस पर कोई पीछे का सरचार्ज नहीं लगेगा, बेसिक अमाउंट है वो पे करेंगे, मैं समझता हूँ कि काफ़ी बड़ा रिलीफ है। इंडस्ट्री में जो हमारा 10,000 रुपया फिक्स होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए कि ये इतना तो फिक्स चार्जेज है ही है कि फैक्ट्री चले नहीं चले, और उसके बाद 40,000 रुपया उससे थोड़ी बड़ी यूनिट थी उसके तो 10,000 तो हमने टोटल माफ कर दिया, जो 40,000 रुपये वाला जो था उसका हमने 1/4 माफ़ कर दिया, मतलब 25% उसका माफ़ कर दिया, और ये भी कर दिया कि अगस्त से लेकर दिसंबर तक इक्वल 6 इंस्टॉलमेंट से अपना पैसा वो देते हैं, ये अपने उन्हें एक रिलीफ दिया है।